तो भाई साहब एलजा एनर्जी वालों का कहना है कि हम आपके पैसे रिफंड कर देंगे, लेकिन उसके पीछे 2.5 करोड़ का लॉजिक क्या है वो भी सुन लो। लेकिन उससे पहले आप सभी का दिल से शुक्रिया कि आपने हमारे ऊपर ट्रस्ट किया, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, जिसके कारण से हमारे चैनल के अंदर 15,000 से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं। और भाई साहब यह देख कितनी खुशी हो रही है कि खुशी के मारे मेरे नाक से पानी निकल रहा है। और भाई साहब इतनी खुशी जी कर रहा है इस टेबल पे चढ़ के कूद जाऊं मैं। मजाक था, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, दिल से शुक्रिया। इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। बाकी सीधा लौटते हैं अब एलजा एनर्जी की तरफ। तो एलजा के ऊपर मैं काफ़ी सारे लोगों के साथ में दोबारा से स्कैम हो गया है, एक छोटी सी लापरवाही की वजह से। कंपनी वालों का झांसा यह है कि ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इस तरीके का एक जो है 1 करोड़ का समझ लीजिए कि कार्ड बना के आपको देंगे, जिसका कुछ नाम रखा गया है, कुछ फॉर्मल एम्प्लॉय वर्क कार्ड इस तरीके से, तो ये आपको देंगे वो लोग, ठीक है। और इसके लिए आप 6,000 नहीं, अब उनका कहना है कि आप 3,000 रुपये ही पैड करो तो हम आपको ये कार्ड दे देंगे। तरह तरह का जो है आपको झांसा दिया जा रहा है। तो मैं आपको पहले ही अलर्ट कर देता हूँ कि आपको कुछ भी झांसा दे, 1 रुपये भी वहाँ पर पैसे आपको पेमेंट नहीं करने हैं, नहीं तो फिर दोबारा से आपका पैसा जाएगा। काफ़ी सारे लोगों ने उधार लेकर पैसे डाल रखे थे। आज एक भाई साहब का कॉल आया था, वो मेरे को बोल रहे हैं कि भाई काश मैं 1 सप्ताह पहले या फिर कुछ दिन पहले मैं आपकी वीडियो देख लेता, मेरे 50,000 रुपये बच जाते, मैंने उधार लेकर 50,000 रुपये डाल रखे हैं, अब मैं क्या करूं, ठीक है। तो सही टाइम पे सही जगह पे इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है, तभी आपके पैसे आएंगे। बाकी ये जो आपको झांसा दिया जा रहा है, पहले बिना कार्ड के बिना 6,000 रुपये के वो लोग आपको पेमेंट कर पा रहे थे, लेकिन अब बिना कार्ड के ये लोग पेमेंट नहीं करेंगे, तो ये सीधा सीधा जो है आपके साथ में लूटने का काम कर रहे हैं। लेकिन इन लोगों को और पैसे चाहिए अलग से। अरे भैया जो खा लिए हो पहले उसे तो हक दो, उसके बाद में फिर नए से पैसे मांग लेना। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब बात आती है कार्ड के ऊपर। तो भाई साहब पैसे लोगों के ढाप रखे हैं, पैसे तो दे दो, कार्ड का क्या घंटा करेंगे? क्या इस कार्ड से खाने को मिलेगा? नहीं। क्या इस कार्ड से पैसा मिलेगा? नहीं। क्या इस कार्ड को मैं पकड़ के चाटूंगा? नहीं। या फिर इस कार्ड को मैं पकड़ के चुम्मी करूंगा? नहीं। तो भाई साहब आपको कुल मिला जुला कर झांसा दिया जा रहा है, आपको 1 रुपये भी पैसे कहीं पे पेमेंट नहीं करने हैं, नहीं तो फिर दोबारा आपको चूना लगने वाला है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बता देता हूँ, जितने भी इनके हेल्पलाइन नंबर होते हैं और वहाँ पे जितने भी खूबसूरत खूबसूरत लड़कियों का फोटो लगे हुए होते हैं, जिनको देख के आपको लगता होगा है कितनी कुती सॉरी क्यूट है यार ये, काश मेरी गर्लफ्रेंड बन जाती, तो भाई साहब आप धोखे पे हो, ठीक है। आपके खुद के गाल पे ना 4 चमाटे मार के खुद पे ही जोर जोर से ठाके मार मार के हंसना चाहिए, क्योंकि जितने भी वहाँ पे फोटो लगाए जाते हैं ना, वो सारे के सारे इंटरनेट से डाउनलोड करके लगा दिए जाते हैं, एक और होती है आपका काट लिया जाता है, और उनके पीछे बैठ के इंडिया के बंदे ही इंग्लिश पे आपसे चैटिंग चैटिंग खेलते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे इंडिया से ही होते होंगे एक आध दो बाहर से, इंडिया के बाहर से, क्योंकि जब पावर बैंक में स्कैम हुआ था 250 करोड़ से भी ज़्यादा का, जब पावर बैंक फर्स्ट टाइम पे जो है इस तरीके का इन्वेस्टमेंट कराने वाली एप्लीकेशन आई थी, तो वहाँ पे जब 250 करोड़ से भी ज़्यादा का स्कैम हुआ था, जब पकड़े गए थे वो लोग, तो इंडिया के अंदर में ही उसके हैंडल करने वाले बंदे थे, और पैसा जो है वो चाइना पे क्रिप्टो करेंसी के जरिए जो है ट्रांसफर किया जाता था, एप्लीकेशन वो चाइना के जरिए जो है मतलब चाइना पे था, ऐसा समझ। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब यह है कि आपको कुछ भी झांसा दे एलजा एनर्जी वाले, आपको 1 रुपये डालने की जरूरत नहीं है, चाहे वो कुछ भी झांसा दे, अगर उनको हगना होता तो जो खाए हैं वही हक देते, आपसे नया खाने के लिए नहीं मांगते। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैंने सोचा एक नया झांसा दे रहे हैं, बता देता हूं आपको, नहीं तो फिर आपका चूना लग जाता फिर से। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को दबा दीजिएगा। ओह माय गॉड।